आखिर कैसे साईं बाबा ने अपने सच्चे भक्त को दर्शन देकर रातों रात ही उनकी जिंदगी बदल दी, आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है, तू सजा दे या माफी दे, मेरे साईं बाबा तू ही तो हमारी असली सरकार है। दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें भेजी है मध्य प्रदेश के रहने वाले राहुल जी ने। राहुल जी बताते हैं कि यह सच्ची घटना बहुत ही काफी समय पुरानी है और इसे उनके पापा ने खुद उन्हें बताया था। यह सच्ची घटना उनके पड़ोस में एक रह रहे अंकल के साथ हुई थी, जो कि बहुत ही अमीर है और उनके पापा उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मेरे पापा ने बताया कि वो अंकल पहले एक भिखारी थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार तो उन्हें दिन में एक टाइम का भी खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता था और आज उनके घर में बहुत ही सारे नौकरों का ताला लगा रहता है। राहुल जी बताते हैं कि उनके अंकल नियमित रूप से साईं बाबा का पूजा पाठ करना और साथ ही साईं बाबा के मूर्ति को हर दिन जल अभिषेक करना उनका हर दिन का नियम बन चुका था। उन्हें साईं बाबा के अलावा किसी पर भी यकीन नहीं था। साईं बाबा ने उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया था और आज अगर साईं बाबा ना होते तो शायद वो किसी चौराहे पर रोटी के लिए मोहताज हो चुके होते। उनके अंकल के मुताबिक सन 1998 में अक्टूबर का महीना था और रात का समय हो रहा था। पिछले दो दिनों से वह कुछ भी नहीं खाए हुए थे। पिछले दो दिनों से वह भूखे पेट सो रहे थे और उस कुटिया में उनकी माँ और उनकी बेटी एक साथ रहा करते थे। परिवार के लिए समय के साथ भोजन का प्रबंधन करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। अंकल के मुताबिक उस समय पैसे की अहमियत इंसानों को ज्यादा पता नहीं रहती थी, मगर धीरे धीरे समय बदल रहा था। लोगों को पैसे की अहमियत पता लगने लगी थी और लोगों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, जिसकी वजह से वह चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उस रात जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वो मन ही मन बस साईं बाबा का ही प्रार्थना करने लगे और उनके मंत्र का जाप करने लगे। उन्हें यकीन था ऊपर वाले बाबा किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देते, उसी प्रकार उनके प्रभु उन्हें भी भूखा सोने नहीं देंगे। उन्हें इस बात पर दृढ़ यकीन था, वो मन ही मन बस साईं बाबा का जाप करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि दो दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला और जिसके बाद उनके शरीर में बहुत ही काफी कमजोरी सी महसूस होने लगी। समय बीतता जा रहा था जिस कारण उनका धीरे धीरे विश्वास भी बहुत ही कम होते जा रहा था। तभी अचानक कोई साधु बाबा उनके पास आते हैं और उन्हें एक मिट्टी की हांडी दे देते हैं और साथ ही उन बाबा ने उन्हें बोला, इसे खाकर तुम अपने भूख से हाथ धो बैठोगे, यानी इसको खाने के बाद अब आपको कभी भी भूख नहीं लगेगा। इसके बाद वह साधु बाबा तुरंत ही वहाँ से चले गए। इसके बाद उन अंकल का समय बिल्कुल ही बदल गया। धीरे धीरे उनकी कष्ट सभी दूर होने लगे और उसी समय में उनकी अच्छी जगह पर नौकरी भी लग गई और वह आज वो उस कंपनी के CEO हैं। जी हाँ, उनका समय इतना जल्दी बदल गया कि किसी को भी यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, हमें तो साईं बाबा पर अटूट विश्वास है, क्या आपको है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।